आवाज आई, आवाज सुनी तुमने? आवाज आवाज सुनी को किधर से आई आवाज? किधर से आई थी आवाज? आई थी और जल्दी देखते हैं आप साथ ही रहना जान दो सही तरीके से। जल गई है। पिछली बार जब हम आए थे तो हमने यहाँ पर कुछ सफेद टाइप में कुछ मैंने ऐसा कुछ देखा था जिसे देख करके हमारा पप्पू भी डर गया था। उससे अपने सेफ्टी के लिए फिर भी दोस्तों हमने जो मसाल तैयार लेकर चलेंगे हम बाबा जी के पास है स्थान पर। अभी तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल भारतीय टीवी अग्नि भोज पर। और आप देख रहे हैं भारतीय टीवी अग्नि भोज और मैं लाखन सिंह। और काफ़ी दिनों बाद वीडियो आ रही है। आज क्या कर रहे हैं, वीडियो लेट होने का कारण क्या है? एक तो ठंड का मौसम ज़्यादा बहुत तकड़ा हमारे इधर यूपी में बहुत ज़्यादा ठंड रही है इस साइड में, और पहाड़ी क्षेत्र का इधर जागे में गए हुए थे हम इस समय, तो ठंड का काफ़ी इसलिए निकल नहीं पाए। लेकिन आज मौका मिला है और हमारे साथ बने हुए इस समय महाराज जी जो सब्सक्राइबर भी हैं अपने और काफ़ी दूर से आए हुए हैं, गुजरात से हमारे साथ हैं जुड़े हुए। और आज जो है इन्हीं के साथ हम उस लोकेशन का भ्रमण करेंगे जो पिछली बार हम लोकेशन पर गए थे और उसकी हमारी जो अधूरी कहानी रह गई थी। उस लोकेशन पर क्या है कि कोई एक चीज़ ऐसी है, आत्मा टाइप कोई चीज़ है जो वहाँ पर दिखाई देती है, लेकिन उसका पूरी तरीके से हम पता नहीं कर पाए। लेकिन आज हम उसको देखने की कोशिश करेंगे कि वो है क्या, जो आती है और छल के रूप में गायब हो जाती है। तो आज महाराज जी हमारे साथ में बने हुए हैं और इनकी भी इच्छा है कि शायद वो आज जो है दीख जब ऐसा जाए तो पूर्णमासी अमावस के दिन नज़र आती है वो, लेकिन कोशिश करेंगे हमने उसको बुला देखने की कोशिश करेंगे आज दीखती है दीखते क्या होता है। बहुत ही खतरनाक लोकेशन है तो महाराज जी चले फिर महाराज जी का परिचय आप बता दीजिए। तो आप जानते ही हैं, वैसे ऐसी बात नहीं है, एक महान हस्ती अपने आप में जानी पहचानी गुजरात से। चले फिर गुरु जी। वास्तविक में देखा जाए तो प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता ही नहीं पड़ती है। ठीक है तो चलने के बाद पता चलेगा है। चलते हैं फिर, मुलाकात होती है लोकेशन पर। आओ अभी उठते बच्चे चले। हेलमेट किसका है? हेलमेट मेरा, डॉक्टर साहब उठा लो जरा। अरे वो गड्ढे ऐसे कुदाता है पेड़ दर्द कैसे लग जाता है। चलो चलो पप्पू हमारे भाई डॉक्टर साहब इधर होंगे, चलते हैं हम लोकेशन पर देखते हैं। और अभी हमें यहाँ से काफ़ी दूर चलना पड़ेगा और मुरादाबाद से हम जो लगभग 45 किलोमीटर आ चुके हैं और अभी हमें जो है 15-20 किलोमीटर आगे चलना पड़ेगा। ठीक है, अब लोकेशन पर पहुँच करके आपको हम दिखाते हैं दोस्तों। और हम आ चुके हैं लोकेशन के ऊपर और महाराज जी हमारे साथ हैं और आप तैयारी देख करके समझ गए होंगे कि आज हम कैसी लोकेशन पर हैं और कितनी खतरनाक लोकेशन पर है। जो पिछली बार हम आए थे दोबारा हम उसी लोगों के डिमांड पर आए हैं। लोगों ने उस वीडियो को बहुत प्यार दिया हमें और हमें बताया कि यहाँ पर जो शक्ति है। आज हम सब लोग और हमारे साथ बता चुके हैं आपको, इधर देखिए ये महाराज जी भी गुजरात से इतनी दूर से आज हमारे पास इसी लोकेशन पर जुड़े हुए हैं हमारे साथ में और कुछ इन्हीं से जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले तो हम आपको नमस्कार करते हैं प्रभु, और हमसे कोई गलती हो जा तो उसके लिए क्षमा चाहते हैं पहले, और आप अपनी दया दृष्टि पर बनाए रखना है प्रभु। तो थोड़ा सा ये बताने की कष्ट करें कि जो यहाँ पर वो में एक शक्ति है वो क्या है, कुछ आप बता सकते हैं उसके विषय में? शक्ति है यहाँ तो हर चीज़ की शक्ति है, यहाँ तो जो चीज़ मांगो वो मिलेगा बन के अंदर भी। ये चारों तरफ बन है? हाँ बन है चारों तरफ इसके। तो इसी बन के अंदर जो है कोई चीज़, पिछली बार जब हम आए थे जो हमने यहाँ पर कुछ सफ़ेद टाइप में कुछ मैंने ऐसा कुछ देखा था जिसे देख करके हमारा पप्पू भी डर गया था उस समय। जिससे डरने की कोई चीज़ नहीं होता, उसके अली बाबा घूमते रहते हैं वो। अच्छा वो पल्ले वाला मजार जो उधर साइड में। अच्छा अच्छा वो है, वो घूमते रहते हैं बन में।
अच्छा, उनसे कुछ नहीं डरना। हाँ, गायब हो जाते हैं वो। जैसे सफेद कपड़ों में रहते हैं ना, सफेद लिबास है। अच्छा, सभी का सफेद लिबास, सभी का सफेद लिबास, सफेद लिबास है उनका भी, सफेद लिबास है। तो ये वैसे आपने कभी देखा है उनको? देखेगा बाबा को, देखा है कभी आपने? ये चीजें कोई नहीं बताएगा आपको। ना ना, ऐसा है ना, हो सकता है छाया साया ही दिखाई देता है। साया तो है यहाँ, जब तो हम यहाँ रह रहे जंगल में, ये तो जंगल है, वन है, चारों तरफ वन है, चारों तरफ वन है, चारों तरफ वन है। उसका सहारा अगर नहीं होता यहाँ जो है, कोई चीज भी आपको सताएगी नहीं इस वन के अंदर अंदर, एरिया के अंदर अंदर, पूरा एरिया, पूरा एरिया भेड़िया हो, कोई सी चीज। जानवर भी इसी वन में है? हाँ, इसी वन में है, कुछ नहीं कहते, देख कट जगह से। अच्छा, जानवर भी रहते हैं? रहो, कुछ नहीं कहते हो। अच्छा, किसी को कुछ नहीं बोलता है। हाँ, जानवर भी है, जानवर भी है, किसी भी नहीं बोलता है। ये चीज थोड़ा सा अपनी सेफ्टी के लिए, फिर भी दोस्तों हमने जो मसाल तैयार लेकर चलेंगे हम, क्योंकि तो बाबा जी के पास हैं स्थान पर, अभी तो हम आपको लेकर के चलेंगे जंगल के अंदर। और यही बाबा साहब की अरब शाह की बाबा जी की मजार है यहाँ पर, जो यहाँ पर बड़े बड़े दूर से लोग जो हैं यहाँ आते हैं, अपनी मन्नतें मांगते हैं। लेकिन दिन का माहौल भी जो है, ये घना सा ही जंगल है यहाँ, बहुत मुश्किल से जो है। तो बहुत अड़ाया कटवा दिया, बहुत अच्छा अड़ाया कटवा दिया, पहले बहुत कुछ ज़्यादा था, अभी काफ़ी है। आइए चलते हैं उस तरफ और आपको दिखाते हैं कि आज जो है उसके दर्शन होते हैं नहीं होते हैं। अगर होते हैं तो आपको जरूर कराएंगे, हमारी पूरी कोशिश रहेगी। और आज हम यहाँ पे पूरी रात बिताने वाले हैं, देखते हैं हमारे साथ क्या होता है। और आज तो लाइट भी भूल गए गुरुजी। अरे लाइट भूल गए यार, ये बहुत बड़ी गलती हो गई यार। तुमने तो, हमने तुमसे कहा था लाइट लेके चलो यार। लाइट ध्यान नहीं रहे, जल्दी जल्दी में क्या कर रहे हैं, जल्दी में तो काफी दूर, काफी दूर आए हुए हैं। ऐसे जंगल में कैसे काम चलेगा भाई? हाँ, ये तो मैं कह रहा, ये तो मैं सोच रहा हूँ कि लाइट वगैरह कैसे काम चलेगा। लेकिन मसाल बना लिए, मसाल से प्रोग्राम, मसाल से भी कितना काम चलेगा डॉक्टर साहब? भाई मसाल से ऐसा है, जानता काम चला, मैं चलाएंगे, चलो बाकी देखते हैं। टॉर्चे हैं हमारे पास, टॉर्चे हैं, टॉर्चे हैं, चलो। ये हाँ चलो, एक टॉर्च से तो काम चलेगा कम से कम। भाई से टॉर्च पे ध्यान रखना अपने, सही है, और चारों तरफ रखनी है आपको। बताया हूँ, मसाल जला लूंगा जंगल में चलते ही। ठीक है, ओके, चल चलते। तो लाइट तो भूल आए हम, और ये मसाल की हम करते हैं तैयारी अपनी जलाने की, क्योंकि भाई इसी का ही सहारा रहेगा, क्योंकि बहुत खतरनाक एरिया है। गुरु ये तेल थोड़ा थोड़ा डालना, फिर कम पड़ गया रंग, जंगल में बहुत परेशानी आएगी। क्योंकि दोस्तों जंगल का मामला है, बहुत खतरनाक मामला है यहाँ पे, कुछ कह नहीं सकते। जरा माचिस, जरा लाइटर, लाइटर देना, जरा लाइटर। यार ये तो बहुत बुरा हो गया हमारे साथ में, कि हम जो है टॉर्च हमारी लाइट भूल करके आ गए। पहले जल जान दो सही तरीके से, जल गई है वायु, इसी मसाल का सहारा रहेगा। और जितने लोग हैं आप चलते हैं, और किधर चलना है? चलो वो गुरुजी। हाँ भैया, मसाल में तो कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा, बस तुम ही तुम दिखाई दे रहे हो, बस खाली सामने तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा। अरे भाई, इस तो मसाल पे ध्यान रखना, बकाया साथ साथ रहो मेरे। हाँ ठीक, कोई दाएं बाएं मत हो ना, क्योंकि जंगली जानवरों का खतरा ज़्यादा है इधर। बेगा फेल हो गई है, ये तो ठीक है। डॉक्टर साहब नीचे देख के चलना, कब रहे हैं यहाँ पे, बहुत पैर वैर नहीं रखने जाना चाहिए किसी के भी, ध्यान से। गुरुजी हमारे गुरुजी के साथ साथ चलो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, देखना
हम गलत रास्ते को आ गए हैं, रास्ता पता नहीं चल गया। नीचे से जाओ इधर से, इधर से नीचे से चलो भाई। भाई देखो सब लोग साथ साथ ही रहना, तो दोस्तों यार हम लोग जंगल के अंदर घुस चुके हैं, सारे लोग प्रवेश कर चुके हैं। अब वो चीज का कोई पता नहीं है किधर से हमें मिल जा ना मिले, ये तो यार अब देखने से पता चलेगा भाई। देखो इसी का ही सहारा है और कोई सहारा भी नहीं है। तो सबसे बड़ी बात तो ये है कि यहाँ पर जो है जानवरों का खतरा बहुत ज़्यादा है, कोई भी किधर से कुछ भी जानवर निकल कर आ सकता है, इसीलिए हमें मसाला का था। लेकिन सबसे बड़ी बहुत बड़ी गलती हमने कर दी आज कि हमें टॉर्च अपनी जो लाइट पप्पू भाई पता नहीं रखना भूल गए। कोई आवाज़ आई, आवाज़ सुनी तुमने? आवाज़ सुनी कुछ? आवाज़ नहीं है, किधर से आई आवाज़? किधर से आई थी, अभी आवाज़ आई थी इधर से। आगे चल के देखते हैं आप। यार पता नहीं वीडियो इस समय, महाराज जी आपको क्या लगता है? मुझे तो लग रहा है कोई ना कोई है, कुछ है यहाँ पर। हाँ एहसास हो रहा है मुझे, देखना भाई कब्र है। हाँ कब्र, मैं कब्र नहीं है। आओ आगे बढ़ते हैं, ये अंदर चलते हैं थोड़ा सा, इधर की साइड से देखेंगे। गुरु जी तेल डालते रहना मसाले पे, बोतल ले ली साथ में ना? हाँ बोतल। पप्पू इधर देखो, कोई परछाई थी इधर है, थी कोई परछाई इधर नहीं डाक्टर साहब, उधर देखा इधर यार कुछ, इधर में मुझे इधर नजर आ रहा कुछ भाई, इधर देखो उधर नजर आया, लंबी टार्च से मारो, अंधेरे को दिखाई दे नहीं रहा, लंबी टार्च से मारो, लंबी लाखन पे ज्यादा करीब नहीं जाना। फटाफट इधर उधर, इधर जल्दी, इधर 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 इधर। तो देखा यार तुम्हें, अब तुम्हारे पीछे कुछ था हैं? था कुछ पीछे यार, क्या था ये? अभी तो हमने शुरुआत करी अंदर घुसने की, हमने उधर देखा, मैं मसाले पे थोड़ा तेल डाल देता हूँ, तेल डाल दे। अब पीछे कोई है, पीछे कोई है, इधर इधर पीछे है यार, मैं कह रहा हूँ कुछ ना कुछ है इधर भाई, है इधर। अरे मैंने बोला था ना वहाँ पर कोई है करके, मेरी बात ही नहीं मानी आप लोगों ने। देखो आप जो भी हो, आप हमारे सामने आने की, हमें डराने की कोशिश ना करो, जो भी हो यार बाकी बहुत खतरनाक भाई। अब डर लग रहा है, अब डर लग रहा, क्योंकि व्यवस्था नहीं है पूरी, क्योंकि सबसे बड़ी गलती ये कर दी कि लाइट हमारे पास, लाइट भी नहीं है। आगे गई, आगे आगे को गई, आगे को है? सामने है कोई, सामने है वो तो कोई, आगे चलो, आगे 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 चल के देखो, आगे चल के देखो। डॉक्टर साहब आपके पास त्रिशूल हैगा? हाँ त्रिशूल हैगा। हाँ डॉक्टर साहब छोड़ बकस ना मत यार, मेरी नज़रों में इधर चलना सही नहीं है,
इसकी जगह सही नहीं है, आगे चलना सही नहीं है। देखो तब तुम लेके जाए वो ऐसे मिल जाएगी। आगे आगे वो लेके लेके जा रही है हमें आए को। वो उधर हमें आगे वो नीचे जो तालाब की तरफ ले रहे शायद आगे तालाब है ये। हाँ तो हमें लेके जा रही है तालाब डूबो लेके जा रही है। तालाब की तरफ खेच रही है भाई, इधर जाना सही नहीं है। क्या बात है उसमें है पप्पू, क्या बात है वो लेके जा रही है हमें। इधर यार क्या लेकर क्या नहीं चले, नहीं इधर कुछ भी हो सकता है। मौत के आगे डर है, मौत के आगे डर है, मौत के आगे तो डर है। लाइट का होना बहुत जरूरी, लाइट नहीं है ना यार, मशाल के आगे दुनिया भागे यार। अरे भाई यार कैसे समझाएं हम, तलाब दिखा के लाओ ये देखो कहाँ तक की है वो, कहाँ लेके जाएगी वो हमें। मौत से यार हम तो मौत में कूदे हुए हैं, मौत से ले जाएगी हमें। मुझे अपनी चिंता नहीं है, हमारे साथ कोई नहीं है, हमारे एक इतनी दूर से मित्र भी आए हुए हैं, आप देख रहे हैं। और सब चीज की परवाह करनी पड़ती है भाई, सब कुछ देखना पड़ता है, सबको देखना पड़ता है, सब कुछ देखना पड़ता है। क्योंकि अगर हम ऐसे ही ये चीजें आंखों देखी है ना, वजह ये है। हाँ। ये चीजें आंखों देखी है, अगर आंखों से नहीं दिखता तो डर नहीं रहता, दिखने के बाद में डर रहता है ना भैया। मेरा एक ये है कि जब हम सब लोग हैं तो हमें लेके क्यों जा रही है। अब वो तो अदृश्य शक्ति है, तो है सही, मैं आपकी बात से सहमत हूँ, अदृश्य शक्ति है वो हमारी, लेकिन वो हमें लेके जा रही है और हम कहाँ तक जा रहे हैं वो देखना चाहती है। नहीं पर हम क्यों उनके पीछे पीछे अधिकतर जाएंगे, इतने पीछे जाने सही नहीं है। देखो सही नहीं है, धोखा हो सकता है, नई जगह कम जो है। देखो हम पहले अपने आप तो हम तो खुद ही मरे, हमें कोई टेंशन नहीं है, लेकिन सब कुछ देखना पड़ता है। स्वयं महाराज जी आए हुए खुद ऐसे मुझे अच्छा नहीं लगेगा ना। महाराज जी के ही कारण वो हमें त्यागे तक लेकर आई, नहीं तो हमें त्यागे तक लेके नहीं आते, हमें वहीं वहीं पर मार डालती वो। बराबर बिल्कुल ये बात हकीकत है, महाराज जी के कारण हमें त्यागे तक ले आई, नहीं तो वो हमें वहीं पर मार डालती। इनकी वजह है जो शायद वो जो हमें, लेकिन अभी तो शुरुआत ही घुसी है, अभी तो अभी पूरी तरह से आई भी नहीं आओगे। देखते हैं वो काम कहाँ तक जाती है। महाराज जी हमें है बचाने के नहीं है। अरे ज्यादा आगे नहीं जाना, वो बराबर है, देखते हैं तो लेके कहाँ तक जा रही है।